हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल ऑलवेज। ब्यूटीफुल ऑलवेज में मैं अपेक्षा आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पर किस तरह से DIY हाइलाइटर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं DIY हाइलाइटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूँगी। मार्केट में जो एलोवेरा जेल आता है आपको वो यूज़ करना है। तो आप देख, आपको जितनी क्वान्टिटी में बनाना है आप उस हिसाब से एलोवेरा जेल लीजिए। ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोई भी आई शेडो का कलर, जिस कलर का आपको एलोवेरा जेल मिलाना हो वो मिला दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आई शेडो उस कलर का बनाना है जिस कलर का आपको अपना हाइलाइटर बनाना है। तो उसके लिए मैं ये जो ब्राउन कलर है इस कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। मुझे इस कलर का हाइलाइटर बनाना है, वो भी बहुत लाइट। तो आपको जितने लाइट या डार्क बनाना हो हाइलाइटर, उस हिसाब से आप इसमें कलर मिक्स कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह टूथपिक से कलर मिक्स करूँ, पर मैं इसमें बहुत ज़्यादा कलर मिक्स नहीं करूँगी, बहुत हल्का सा ही कलर मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा मैं ये वाला कलर भी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसमें ये कलर मिक्स कर रही हूँ। आपको जिस कलर का बनाना हो आप उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें वाइट भी मिक्स कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये सब कलर मिक्स कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा हाइलाइटर बन चुका है। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा दूँगी। ये देखिए, देख सकते हो शाइन आ रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको और भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 1 से 2 मिनट में सूख जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने पूरे हाथ पे शाइन आ गई है। कैमरे में देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।